तो पावर बीआई में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं कि किस तरह से हम डेटा कनेक्ट करेंगे। कल की क्लास में हमने बताया कि पिवट टेबल पावर बीआई से हम किस तरह पिवट टेबल की जैसा ही बहुत अच्छी रिपोर्ट बनाते हैं, आपने उसकी प्रैक्टिस भी किया, लेकिन प्रॉब्लम होती है डेटा कनेक्टिविटी, क्योंकि पावर बीआई का अपना डेटा नहीं है, पावर बीआई कहीं और से डेटा लेके आता है। जैसे कि आप मान लीजिए एमएस एक्सेल पे आपका डेटा है तो वहां से आप डेटा लेके आ सकते हैं, लेकिन डेटा लाने से पहले मैं बोलूंगा कि एक बार अपने एक्सेल जो भी आपका एमएस एक्सेल है, जो भी आपकी फाइल है, उसको एक बार देख ले। क्यों? क्योंकि अगर डेटा डेटा फॉर्मेट में नहीं हुआ तो प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि हेडिंग्स ना होना, फालतू के जगह बहुत सारी जगहों पे डेटा लिखा रहना, बहुत सारे ब्लैंक रो होना, कॉलम का हेडिंग एक रो से ना शुरू होके 5-7 रो से ऊपर होता है ना, हेडिंग वगैरह देना, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आपका डेटा टेबल फॉर्मेट में, जो एक्सेल के अंदर टेबल होता है ना, अगर उस टेबल फॉर्मेट में है तो कोई दिक्कत नहीं, ये आपका डेटा का नेविगेटर जो है वो उस टेबल को रीड कर लेता है। लेकिन टेबल फॉर्मेट में ना, नॉर्मल एक्सेल शीट फॉर्मेट में हो, तब आपके डेटा में बहुत सारे अनवांटेड फील्ड्स हो, अनवांटेड चीजें हो, तो प्रॉब्लम होती है। जैसे मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, तो आप यहाँ डेटा का व्यू देख सकते हैं। तो मेरा डेटा बिल भी एकदम एग्जैक्ट फॉर्मेट में है, जिसमें कोई एडिशनल चीजें नहीं है, वरना यहाँ पे फील्ड 1, फील्ड 2, फील्ड 3 इस तरह की चीजें आ जाती है। अभी देखिए, मैं डेटा को सिलेक्ट कर लिया, फिर भी मेरा डेटा यहाँ पे लोड एनेबल नहीं हो रहा है। सिलेक्ट नहीं करना है, चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। जब चेक बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे तभी आपका डेटा एनेबल हो पाएगा, राइट सर? जी सर, इसका ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, लोड एंड ट्रांसफॉर्म। अगर आप ट्रांसफॉर्म डेटा करते हैं तो पावर क्वेरी में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? पावर क्वेरी। अब पावर क्वेरी में क्या होता है, जैसे कि डेटा आपने कनेक्ट किया लेकिन डेटा आपको लगा कि सही फॉर्मेट में नहीं है, डेटा ऐसा नहीं होना चाहिए, डेटा अच्छा से होना चाहिए, तो उस केस में आप जो है पावर क्वेरी पे जा करके डेटा को अपने हिसाब से सही कर सकते हैं, जो कि आगे मैं बताऊंगा। फिलहाल इस चीज को इग्नोर करते हैं, ठीक है? फिर जैसे हम लोड पे क्लिक करेंगे, लोड पे क्लिक करते ही आपका थोड़ा सा चलेगा और डेटा लोड हो जाएगा। डेटा लोड होते ही ये जो एरिया दिख रहा है ना, ये चीज गायब हो जाएगा। ठीक है, और लोड होने में थोड़ा टाइम लेगा, कितना टाइम लेगा और डिपेंड करता है आपके सिस्टम के परफॉर्मेंस और डेटा के साइज के ऊपर, राइट सर? जी सर, अब यहां देखिए आपके फील्ड लिस्ट हट गया यहाँ पे, और ये फील्ड लिस्ट आ गया, और डेटा कहाँ ऐड हुआ, तो डेटा ऐड हुआ यहाँ पे। देखिए, तीन तरह के व्यू होते हैं, ये आपका कैनवेस एरिया हो जाता है, ये आपका फिल्टर हो जाता है, ये आप फिल्टर लगा सकते हैं, ये आपका विजुलाइजेशन हो जाता है, ये आपके फिल लिस्ट हो जाता है, तो ये आपका रिपोर्ट एरिया हो। ऐसे और भी बहुत सारे रिपोर्ट पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ जो आपका होता है, क्या होता है, रिपोर्ट होता है, और यहाँ आपका आता है टेबल, जी ठीक है? तो हम टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं। जब टेबल को सिलेक्ट करते हैं तो आप यहां देखें, सारे फील्ड के लिस्ट आपको यहां दिख जाए, क्या लिख दिख जाएगा, सारे सर, फील्ड लिस्ट, समझ जी गए? सर, और फील्ड लिस्ट जो दिखे, अब यहां पे सबसे पहले समझना होता है टाइप, डेटा टाइप, क्या समझना होता है, डेटा टाइप, डेटा टाइप। मतलब कि डेटा टाइप से पता चलेगा कि इस पे आगे क्या हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए सम ऑफ का साइन लगा, सम ऑफ का साइन लगा हुआ, इसका मतलब कि डेटा नंबर में, और यहाँ पे इस पे कैलकुलेशन हो सकता है। जिसमें कुछ भी साइन ना लगा हो, वो क्या है आपका, वो आपका टेक्स्ट है, टेक्स्ट, और डेट होगा तो कैलेंडर का साइन होगा। और जैसे कि सिटी लिया मैंने, और सिटी को मैंने यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे अनकैटेगराइज्ड डेटा दिख रहा है ना, इसके जगह पे हम दे देते हैं सिटी, सिटी कर दिए। अब सिटी का आगे ग्लोब बन के आ जाए, ठीक है, ग्लोब बन के आ गया। तो इसमें कुछ कुछ सिटी को रिकॉग्नाइज नहीं किया, कुछ सिटी को रिकॉग्नाइज किया, तो इसके लिए लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वगैरह होता है, वो आपको देना पड़ेगा।
ओके, या फिर एक्सेल ओके सीट पे ही आपका वहां पे दिखता है डेटा डेटा टाइप, तो एक्सेल सीट होता है ना, तो जी कोई सर, भी यहाँ भी डेटा टाइप होता है। जैसे हमने लिख दिया न्यू दिल्ली, तो अब इसको यहाँ डेटा मेनू के अंदर डेटा टाइप होता है, इसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल। तो ज्योग्राफी पर क्लिक करते हैं, इसको सर्च करता है, लेकिन सभी इंटरनेट होना चाहिए। सर्च करने के बाद ऊपर न्यू दिल्ली नहीं मिला। देखिए, ये बड़ी सोचने वाली बात है कि न्यू दिल्ली डिटेक्ट नहीं कर रहा है, उसने दिल्ली को डिटेक्ट किया है। तो न्यू दिल्ली भी दिल्ली दोनों सेम है ना, तो सिलेक्ट करने के बोलेगा तो कंफ्यूज है कि दिल्ली है न्यू दिल्ली है, तो आपको बताना पड़ेगा दिल्ली है या न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली हो गया, तो ये आपका ज्योग्राफिकल डेटा हो गया। आप एक्सेल में इससे रिलेटेड चीजें ऐड कर सकते हो कि एनिमी डिवीजन, कंट्री रीजन, डिस्क्रिप्शंस, लॉन्गिट्यूड लॉन्गिट्यूड, टाइम जोन, ये सब चीजें यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक ठीक है ना, इस तरह से। ओके सर, एक मिनट सर। तो इस तरह की चीजें अगर है तो फिर यहाँ पावर बीआई इजीली ले लेगा। तो आपको ऐसा लगता है कि सिटी सही नहीं लेना पा रहा है, तो डेटाबेस में जाके एक बार चेक कर लीजिए कि कौन कौन ज्योग्राफिकल सिटी है, उसके हिसाब से इसका इस्तेमाल कर सकते। ठीक है, उसके बाद जो डेटा है आपका, अब डेटा में भी बहुत सारे जैसे परसेंटेज डेटा टाइप भी यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ से परसेंटेज वगैरह ले सकते हैं। क्या डेटा है आपका, डेटा का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, आप चूज यहाँ से नंबर चूज कर सकते हैं कि डेटा का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। और यहाँ पे आता है समराइजेशन, मतलब जब हम इस पे अपने रिपोर्ट पे अपना डेटा उस फील्ड को रखें तो बाय डिफॉल्ट क्या आना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि हमने यहाँ पे इसमें गैजेट में गए और मान लीजिए मैंने जनवरी को उठाया और यहाँ रख, तो आप देखेंगे यहाँ पे आया सर आगे। आप देखेंगे कि बाय डिफॉल्ट इसने क्या किया, सम किया। क्यों किया सम, क्योंकि डेटा में बाय डिफॉल्ट इसने इसका समराइज ले रखा है। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आईडी है, आईडी का सम नहीं होना चाहिए ना सर, आईडी का काउंट होना चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट इसने आईडी को देखते हुए काउंट ले लिया, लेकिन नहीं लिया, तो आप यहाँ से इसको अपना क्या करना है वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, जी तो इस तरह से अपने अपने फील्ड को अपने हिसाब से चेंज कर देते हैं। फील्ड कितने तरह के हो गए, डेटा डेटा कितने तरह के हो जाते हैं। एक तो आपका ज्योग्राफिकल डेटा होता है, जैसे कि एड्रेस, प्लेस, कंट्री, पिन नंबर, कॉन्टिनेंटल, लैंगिट्यूड लॉन्गिट्यूड, वेब यूआरएल, इमेज यूआरएल या बारकोड, इस तरह के डेटा आपके हो, डेटा कैटेगरी हो सकते हैं। उसके बाद डेटा के टाइप जो है वो आपका हो सकता है टेक्स्ट, डेसिमल, फिक्स डेसिमल नंबर, डेट एंड टाइम, डेट टाइम टेक्स्ट, ट्रू फॉल्स या बाइनरी। अब इसमें सोचेंगे कि डेसिमल और फिक्स डेसिमल नंबर क्या है। तो डेसिमल नंबर हो गया कि भाई जितना डेसिमल होगा उतना वो शो करते, फिक्स डेसिमल नंबर हो गया कि भाई इसको 2 डिजिट तक या 3 डिजिट तक या 4 डिजिट तक इसको शो कर, समझे। जी सर, इसको फिक्स डेसिमल नंबर बोला जाए, राइट। जी तो ये आपका डेटा टाइप है, डेटा टाइप समझ में आ गया आपको। हाँ सर, अब इसमें डेटा ग्रुप भी है, शॉर्ट भी है, तो ये चीज हम आगे सीखेंगे, फिलहाल हम डेटा क्रिएटिविटी सीख रहे हैं। तो हमने डेटा को ठीक एक्सेल से डेटा को लेके यहाँ पे आया। अब बात आ रही है कि क्या हम एक ही तरह के दो, एक ही शीट से दो टेबल डेटा ला सकते हैं, मतलब ए फाइल हुआ इसी को 2 बार ला सकते हैं। आप बोलेंगे ऐसा क्यों, जरूरत क्यों ना, क्या एक बार तो आ गया ना, जी लेकिन जी हाँ जरूरत पड़ती है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक रिपोर्ट बनाया कि टोटल जैन का, और हमने मान लीजिए कि ओके एक और जो है अपना चार्ट यहाँ बना देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे नेम वाइज हमने जून का टोटल, ठीक है ना सर। अब मैंने क्या किया कि मुझे जोन बाय स्लाइसर ऐड करना है। स्लाइसर आपने पिवट टेबल में पढ़ा होगा स्लाइसर, जी सर, तो
स्लाइसर को मैंने यहां से लिया, जोन में डाल दिया। अब इसको ड्रॉप डाउन भी करना चाहो तो ड्रॉप डाउन कर सकते हो, हालांकि आगे मैं स्लाइसर पर आऊंगा डिटेल में, लेकिन मैं बता रहा हूँ। अब जैसे मैंने स्लाइसर में सिलेक्ट किया ईस्ट, तो आप देख सकते हैं कि ईस्ट सिलेक्ट किया तो दोनों टेबल जो दोनों डेटा जो ईस्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है ना सर। जी सर। अब यही पे एक प्रॉब्लम आ, यही पे प्रॉब्लम आ गई हम्म। कि मैं चाहता हूं कि मेरा स्लाइसर से इससे काम करे, इससे काम ना करे। तो जब तक डेटा आप अलग अलग ना करेंगे तब तक नहीं है। तो इसके दो तरीके, एक तो हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं जो हम जनरली करते हैं, लेकिन मैं यहां नया करना चाहता हूं, क्या मैं दोबारा इसी फाइल को ले सकता हूं? चलिए हम ले के देखते हैं। वापस इन डेटा को लिए एंड ओपन करते हैं। ऑलरेडी डेटा नाम से यहाँ पर है, एक बार वापस इसने इन डेटा को हमने लिया, और इन डेटा में ये वापस हम एन सीट को ले रहे हैं और उसको वापस हम लोड करते हैं। देखते हैं। आ गया, देखा। जी, डेटा तो टू हम से। रिपोर्ट के अंदर, हम रिपोर्ट जब बनाएंगे तो हम मोर दो डेटा से इसको बना सकते हैं। अब इसको डिलीट कर दिया और मैं वापस ये जो डेटा टू करके आया हुआ है ब्रैकेट में उस पे गया, और हमने यहाँ से अपना विजुलाइजेशन सेलेक्ट किया। और मान लीजिए मैंने यहाँ पे नेम और मार्च का टोटल रख दिया। ओके सर, अब जी सर। स्लाइसर यूज करते हैं। अब मैंने ईस्ट को सेलेक्ट किया, देख सकते हैं यहाँ चेंज कुछ हुआ नहीं हुआ? नहीं नॉर्थ सर, सेलेक्ट ओनली करते कोई एक चेंज ही हो हो रहा रहा है? है। नहीं हो रहा है ना। तो हमें समटाइम इसकी जरूरत पड़ती है। तो अब यहाँ पे आप एक चीज जान गए कि आप एक ही डेटा को, एक ही डेटा फाइल को कई बार आप लोड कर सकते हैं। ठीक सर। जी सर। तो एक्सेल से डेटा लोड करना सीख गए, डेटा जो आता है उसमें जो करना है वो आप उसके अंदर जो फॉर्मेटिंग वगैरह चेंज करना हो सीख गए। जी सर। अब तीसरा बात आता है कि क्या हम यहाँ कुछ नया डेटा ऐड कर सकते हैं? अब बोलेंगे किस तरह का डेटा, जैसे कि आपने देखा कि यहाँ जीएसटी है और यहाँ पे टोटल है ना। मैं यहाँ देखना चाहता हूँ कि जीएसटी कितना परसेंट कैलकुलेट हुआ या कमीशन कितना परसेंट कैलकुलेट हुआ। तो मैं सिंपल क्या करना चाहता हूँ, नहीं मैं ये जानना चाहता हूँ कि टोटल जीएसटी हमने यहाँ दिया है तो परसेंटेज कितना है जीएसटी का, मतलब कि जीएसटी डिवाइड बाई टोटल। तो ऐसी कैलकुलेशन के लिए आप न्यू कॉलम ऐड कर सकते हैं। तो कॉलम ऐड करके इसमें अपनी फॉर्मूले वगैरह लगा सकते हैं। तो किस तरह की फॉर्मूले लगा सकते हैं? देखिए दो चीजें होगी, एक तो होगी मैथमेटिकल कैलकुलेशन। मैथमेटिकल कैलकुलेशन मतलब कि प्लस माइनस जोड़ घटाओ जो होता है वो आप कर सकते हैं, जो कि मैं अभी कर रहा हूं। यहां पे मैंने लिखा जीएसटी डिवाइड बाय टोटल, ठीक है ना सर। ये क्या हो गया, मैथमेटिकल। ये आपके जी मैथमेटिकल फॉर्मूला। इसमें हम डेक्स फंक्शन लगा सकते हैं, जैसे कल की क्लास में मैंने सम सम का फॉर्मूला लगाया था ना, सम एक्स का, काउंट एक्स का, फिल्टर का, वो काउंट था ना डेक्स फॉर्मूला। और डेक्स क्यूरी होता है का जो हमने मेजर्स में लगाया थे, वो उसको डेक्स क्यूरी कहा जाता है, राइट। अब जी। यहाँ, अब यह परसेंटेज नहीं है तो हम कॉलम टूल्स में आते हैं और यहाँ पे डेसिमल नंबर की जगह पे इसको हम डेसिमल नंबर की जगह पे यहाँ पे तो ये परसेंटेज भी डेसिमल होता है, तो इसे आप परसेंटेज भी क्लिक कीजिए, ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो हो जाए। जाए, ठीक है। ओके। अब इसमें बोलेंगे कि सर आपने एक तो रिपोर्ट के बारे में बता दिया, दूसरा आपने डेटा के बारे में बता दिया, तीसरा क्या है आपका मॉडल क्या है? देखिए इसका यूज होता है रिलेशनशिप के लिए।
जब दो अलग अलग डेटा आपस में मिलते हैं तो उनकी रिलेशंस करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ओके समझे? बोले कि जी किस तरह का रिलेशन, जैसे कि मैंने बोल दिया कि इसकी जो आईडी है और इसकी जो आईडी है वो आर द सेम, इसको उठाया और इसके ऊपर ड्रॉप कर दिया, और यहां पे हमने बोला कि भाई ये आपका ओके कर दिया। अब दोनों के बीच में बन गए रिलेशन। तो अब क्या होगा कि डेटा में गया मैं, अब मैं यहां पे देखे स्लाइस लगा, मैंने सेलेक्ट किया ईस्ट, दिखा दोनों दोनों चेंजेस चीज, होंगे। तो दो अलग अलग टेबल चेंज हो रहा है विथ रिलेशन। तो कभी दो टेबल की जरूरत, कभी मान लीजिए ना कि आपके पास डेटा दो तरह का है, एक आया सेल्स का डेटा, दूसरा आया डिस्ट्रीब्यूट का डेटा, मतलब एक आपका आया कि ऑर्डर हो गया, दूसरा डिस्पैच हो गया। तो आप अगर देखना चाहते हो कि दिल्ली में कितना ऑर्डर हुआ है, तो दिल्ली में ऑर्डर 500 हुआ, दिल्ली में डिस्पैच कितना हुआ, तो हाँ मतलब कि आपको 800 डिस्पैच हुआ या 400 डिस्पैच हुआ। तो दो अलग अलग टेबल्स है, लेकिन आप जब स्लाइसर यूज करेंगे, रिपोर्ट यूज करेंगे, फिल्टर यूज करेंगे, तो दोनों इकट्ठा एक जगह दिखाएगा और दोनों अपने हिसाब से डेटा को अपडेट भी करता रहेगा जब वो आप फिल्टर वगैरह यूज करते हैं, समझ गए? जी सर।